दोस्तों अगर यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम अगर पहले बॉल कर रही है ना, वहां पर मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसेगा। लेकिन अगर जिम्बाब्वे वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां पर इस वाले मैच जीएल निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। फिर वहां पे आपको जीएल की टीम बनाने की कोशिश जरूर करना है। ये मैच आपके लिए सबसे सही रहेगा अगर जिम्बाब्वे वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले बॉल कर रहे हैं, वहां पर भी क्या कुछ चीजें हम कर सकते हैं उस बारे में जानेंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको भी फैंटेसी में पैसे कमाने हैं, अगर आप भी यहाँ पे पैसे जीतने आए हो, पैसे कमाने के दिमाग को सोच करके आए हो, तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको हर दिन 2 से 3 मैच मैं कवर कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैच को विन किया जाए। सबसे पहले यहाँ पे अगर अपने इंडिया वाले पहले बॉल कर रहे हैं, वहाँ पे रवि बिश्नोई को कैप ऑफ इसी बना करके चल सकते हैं। लेकिन अगर अपने इंडिया की टीम मान लो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और कहीं अगर ये लोग 200 रन या फिर उससे पार रन बना दे रहे हैं ना, तो जिम्बाब्वे वाले पहले ही हार मान जा रहे हैं। और फिर इनके बल्लेबाज जो मेन बॉलर रवि बिश्नोई, इसके बॉलों पे छक्के चौके मारने को जा ही नहीं रहे। फिर हो ये रहा है कि रवि बिश्नोई जानबूझ के बॉल को हवा दे रहा है और फिर उन बॉलों पे जब बॉल उन्हें आसान मिल रही है तभी मारने को जा रहे हैं। और यही वो रीज़न है कि रवि बिश्नोई आखिरी के 2 मैच से उतनी सही बॉल नहीं कर पाया जितनी अच्छी बॉल शुरू के 2 मैच में किया है। तो ज़रूरी ये है कि अगर अपने इंडिया की टीम पहले बॉल करेगी, वहाँ पर रवि बिश्नोई और आवेश खान, ये दोनों प्लेयर आपके कैप ऑफ इसी के लिए एक अच्छे प्लेयर रहेंगे। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी है, फिर वहाँ पे रवि बिश्नोई को ऐसा प्लेयर ही लेकर के चलेंगे, क्योंकि फिर इसकी बॉल पे ये लोग छक्के चौके मारने नहीं जा रहे और ये लोग फिर इसकी बॉल को स्लोली स्लोली खेल जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं इसको कैप इसी बनाने का नहीं सोच रहा हूँ। खलील को लेकर के चलना ज़रूरी है। जैसे कि पिछले मैच में सुमन गिल को मैंने बोला, इस मैच में मेरे हिसाब से खलील वो बॉलर रहेगा जो कि हमें इस वाले मैच में जिताएगा। क्योंकि सारे बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे किसी ना किसी मैच में अच्छा बॉल कर लिया है, सिर्फ एक बॉलर बाकी है, उसका नाम है खलील। और खलील वो बॉलर है जो कि नई बॉल से शुरू के ओवर से बॉल करेगा, और अगर कहीं इसको एक ओवर भी आखिरी के ओवर से मिल गई ना बॉल, फिर वहाँ पे आपको गजब की बॉल करके ले जाएगा। अगर अपने इंडिया वाले पहले बॉल करें, वहाँ पे खलील को ज़रूर से लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी है, वहाँ पर अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भरोसा करो या ना करो, वो आपके मर्जी पे। भी मुसरबानी को लेना ज़रूरी है, सिकंदर, रजा, अभिषेक, सुंदर, और यहाँ से ऋतुराज, यशस्वी जायसवाल। और यहाँ से अगर अपने जिम्बाब्वे वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे, वहाँ पे सी मदांगे को लेंगे। लेकिन अगर अपने इंडिया की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, वहाँ पे संजू को लेकर के चलेंगे, क्योंकि संजू जो है बल्लेबाजी में 5वें नंबर पे आ रहे हैं। और कहीं अगर जिम्बाब्वे वाले पहले बल्लेबाजी करके 100 ही रन बना पाए, 120 ही रन बना पाए, तो फिर वहाँ पे संजू का कोई भी काम नहीं रहेगा। इसी वजह से तो ये सो मैंने टीम बनाई है, मेनली तब के लिए बनाई है जब अपने इंडिया की टीम पहले बॉल कर रही है। पहले बॉल में मैंने 5ों मेन बॉलर को लिया हुआ है, जिसमें हो सकता है कि 1 ओवर से लेकर के 2 ओवर शिवम भी करके दे। तो शिवम को लेना चाहो ले करके चल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, उसके लिए आपको ऋतुराज को ना ले करके वहाँ पर शिवम को ले सकते हो। कब? जब अपने इंडिया की टीम पहले बॉल करेगी। अगर पहले बल्लेबाजी है, वहाँ पर फिर ये चारों प्लेयर आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगे। वहाँ पे चारों प्लेयर आपको, शुरू के चारों प्लेयर को लेना ज़रूरी है, क्योंकि 2 ऐसे प्लेयर हैं ना जो कि आएंगे, मारेंगे, जाएंगे। ये दोनों ऐसे प्लेयर अगर इनके बल्ले पे बॉल चढ़ेगी तो वहाँ पर लंबे लंबे छक्के मारेंगे, लेकिन अगर बल्ले पे बॉल नहीं चढ़ेगी तो वहाँ पे समझो कि जल्द ही अपना विकेट दे करके चले जाएंगे, यानी कि रुकेंगे नहीं। रुकने के लिए 2 प्लेयर का काम है, जिसमें नाम है सुमन गिल का, जिसमें नाम है गायकवाद का। तो ये दोनों वो प्लेयर जो कि रुक के खेल रहे हैं, तो रुक के खेलने वाले प्लेयर आपके लिए एक अच्छे प्लेयर रह सकते हैं। अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में 3रे पे आ रहा है, यानी कि ओपनर नहीं आ रहा, और ओपनर आ करके इसने आईपीएल में भी रन बनाए हैं और यहाँ पर भी 2रे मैच में 100 रन बनाया है। लेकिन ये 3रे नंबर पर अगर आ रहा है, वहाँ पर इतना फ्रीली नहीं खेल पाएगा, क्योंकि पावर प्ले में नहीं मिलेगा ना। पावर प्ले में शुरू की ओर से जब ये खेल रहा है, वहाँ पे पावर प्ले हो रहा है, वहाँ पे रन बना रहा है, और फिर जब तक 6 ओवर हो रहे हैं तब तक वहाँ पे जम चुका हो रहा है, फिर
फील्ड कुछ भी हो, फिर वहाँ पे बॉल दिखेगी और लंबे लंबे छक्के होंगे। लेकिन अगर पावर प्ले के बाद ही ये खेलने को आए, वहाँ पर आसान नहीं रहेगा शुरू के ओवर्स में रन बनाना। अब वैसे भी ये सब मैच हो रहा है ये हरारे में हो रहा है, यहाँ पे शुरू से ही रन बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ, कई बार अपनी टीम ने यहाँ पे पेल के रन बनाए हैं, लेकिन क्योंकि सामने कमजोर बॉलर है, क्योंकि सामने वाली टीम नर्वस हो जा रही है, क्योंकि सामने वाली टीम कैच वगैरह भी छोड़ रही है, जैसे कि पिछले जब 100 रन बनाया अभिषेक ने, वहाँ पे इसका एक कैच छोड़ा, ऋतुराज ने वहाँ पे 77 रन बनाए, जहाँ पे इसके तीन तीन कैच छोड़े गए, यानी कि बिना कैच छोड़े ये लोग इतने भी रन नहीं बना पा रहे हैं। पहले मैच में जहाँ पे एक भी कैच नहीं छोड़ा गया, वहाँ पे मैच हारे भी हैं। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग बॉलिंग भी ज़रूरी होनी चाहिए अगर जिम्बाब्वे को मैच बराबरी का मैच करना है या फिर जीतना है। अब अगर ये लोग कैच ही नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी के लिए मैं कैप बना करके चलने का सोच ये रहा हूँ कि कैप बना करके चल लूँगा, अभिषेक को अभिषेक बना करके चलूँगा सिकंदर को। क्यों? क्योंकि अभिषेक पिछले वाले मैच में फ्लॉप हुआ, यहाँ पे रन बना सकता है। अब यहाँ पे जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि अगर अपने इंडिया की टीम पहले बॉल कर रही है, वहाँ पे रवि बिश्नोई और आवेश को अपनी टीम में कैप ओबीसी बना करके जरूर से चल सकते हैं। वहाँ पे फिर अभिषेक आपके लिए इतना सही प्लेयर नहीं रहेगा कैप ओबीसी के लिए। अगर अपने इंडिया की टीम मान लो पहले बॉल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको आवेश, रवि बिश्नोई और सिकंदर रचा, ये तीन प्लेयर हैं जो कि आपके लिए कैप ओबीसी के लिए सबसे सही रहेंगे। लेकिन अगर अपने इंडिया वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पर आवेश, अभिषेक, सिकंदर, सुमन गिल और यशस्वी, ये पांच प्लेयर सबसे ज़रूरी रहेंगे, जिसमें से यशस्वी जायसवाल कोई इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और अगर इसका सही से ऐसा ना करें कि कैच वगैरह छोड़ते चले जाए, तो फिर ये वहाँ पे रन हो भी सकता है कि ना भी बना पाए। फिर मेनली कैप ओबीसी के लिए ये चार प्लेयर सबसे सही रहेंगे। तो ये चीज़ों को आपको अपने दिमाग में रखना है। और अभी के लिए मैंने यही टीम बनाई, इसमें एक दो चेंज ये होंगे कि मैं संजू को ले लूँगा, मैं यहाँ से लेकर के चल सकता हूँ बी मुसरबानी को ना लेकर के, जैसे कि आर नगारवा को, या फिर यहाँ से बी बैनेट वो प्लेयर है ना जो कि कभी भी अपने दम पे हमें जिता सकता है। इसने पहले मैच में अपने दम पे हमें विन कराया है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको लेकर के नहीं चल रहे थे। इसको मेनली कब लेना है? इसको मेनली तभी लेकर के चलेंगे जब जिम्बाब्वे वाले पहले बल्लेबाजी करेंगे। पहले बल्लेबाजी में ये लोग फ्रीली खेलेंगे, वहाँ पे ये लोग रन बना करके दे सकते हैं। अगर यहाँ पे जिम्बाब्वे वाले पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पे मैं बी बैनेट को लेकर के चलूँगा, वहाँ पे मैं बी मुसरबानी को ना लेकर के बी बैनेट को लेकर के एक ये रिस्क लेकर के चल लूँगा। तो एक ये भी चेंज होगा जिसके लिए मैं अभी के लिए रुका हुआ हूँ। जो भी फाइनल टीम होगी ना, वह टॉस होने के अपने इस वाले चैनल पे आपको फ्री में भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले पिन किया हुआ मिल जाएगा। अभी के भी फ्री में ज्वाइन हो सकना इसी चैनल पे, मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेजूंगा जिससे भी मैं अपने पैसे लगाऊंगा। एक और चीज़ है, चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है, तो फ्री है, फ्री में आपको सब्सक्राइब करके ही जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर